नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। उत्तर प्रदेश ने पिछले 50 सालों में राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कांग्रेस के राज से लेकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने तक राजनीति के कई चेहरे देखने को मिले हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 325 मत हासिल कर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने 54 सीट और बीएसपी ने 19 सीटें हासिल की थी। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बदली यूपी की राजनीति। 1967 में यूपी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में साल 1967 काफी महत्वपूर्ण रहा। देश की स्वतंत्रता के बाद सन 1967 में राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस में विद्रोह हुआ। तत्कालीन किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय क्रांति दल पार्टी बनाई। चौधरी चरण सिंह ने 3 अप्रैल 1967 में पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया और ये सरकार 328 दिन तक चली। 1977 में यूपी में कांग्रेस की पहली हार। सन 1975 में कांग्रेस ने पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया था और इसके विरोध स्वरूप आजादी ने 3 दशक बाद यूपी में पहली बार कांग्रेस को यूपी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1967 में चौधरी चरण सिंह गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से किनारा कर चुके थे और इसके बाद फिर कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन 1977 में कांग्रेस जनता पार्टी से हार गई और इसके बाद राम नरेश यादव ने जनता पार्टी की सरकार बनाई। 1985 में कांग्रेस की आखिरी जीत। कांग्रेस ने 1984 में लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति के कारण 51 मत हासिल किए, लेकिन ये वोट शेयर 1985 में विधानसभा चुनाव में घटकर 39 हो गए थे और कांग्रेस ने 269 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। यूपी में कांग्रेस की ये आखिरी जीत थी। 1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। बोफोर्स घोटाले से विवादित 1989 में कांग्रेस पार्टी ने जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा और बीजेपी के समर्थन के साथ सरकार का गठन किया और इसके बाद 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। 1991 में यूपी की पहली भाजपा सरकार। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने की धमकी पर कार सेवकों पर गोलीबारी के बाद भाजपा ने मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी। 1991 के मध्यावधि चुनाव में भाजपा को जीत मिली। इस तरह बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। 1993 में सपा बसपा का गठबंधन। कल्याण सिंह के शासनकाल में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1992 में भाजपा सरकार बर्खास्त कर दी गई थी और इसके बाद मुलायम सिंह यादव और कांसी राम के नेतृत्व में सपा बसपा गठबंधन हुआ। 1993 में हुए चुनाव में पिछड़े दलितों और मुसलमानों की मदद से नई सरकार बनी। मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 में दोबारा से राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1995 में सूबे की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री। गेस्ट हाउस कांड हुआ, इसमें मायावती की जान लेने की कोशिश की गई। इसके बाद राज्य में सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। 3 जून 1995 में बीजेपी के सहयोग से मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। मायावती सूबे की पहली दलित मुख्यमंत्री थी। 1996 में रोटेशन मुख्यमंत्री की पहल। मार्च 1997 में बसपा और भाजपा ने मिलकर राजनीति के एक नए युग का सूत्रपात किया। ऐसा गठबंधन बना जिसमें बारी बारी से सीएम बनाए जाने को लेकर समझौता हुआ। दोनों पार्टियां 6-6 महीने के लिए बारी बारी से मुख्यमंत्री पद को साझा करने पर सहमत हुईं। 1997 में मायावती ने बीजेपी को दिया धोखा। रोटेशन की सरकार में मायावती 6 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद हट गईं और इसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 महीने के अंदर ही मायावती ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
1998 में राज्य में एक समय में दो दो मुख्यमंत्री बने। 21 फरवरी 1998 में जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। जगदम्बिका पाल के पास मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों का समर्थन था, लेकिन हाईकोर्ट ने 48 घंटे के अंदर कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने का आदेश दे दिया। फरवरी 23 में एक ऐसी स्थिति आई थी जब दोनों जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह दोनों सचिवालय में मुख्यमंत्री के रूप में बैठकर दावा कर रहे थे। 2003 में मुलायम की अल्पमत की सरकार। 2003 में तीसरी बार मायावती की सरकार बनी, लेकिन 2003 में भाजपा ने बसपा से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अल्पमत की सरकार बनाई। 2007 में 22 साल बाद बहुमत की सरकार। 2007 में प्रदेश में आया राम गया राम का दौर खत्म हुआ और राज्य में मायावती के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। तब बसपा को राज्य में 206 सीटें मिली थी। 2012 में अखिलेश बने सीएम। 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी ने मायावती के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की और इसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी ने प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई। भाजपा गठबंधन को 325 सीटें मिली। फिलहाल बीजेपी का ये कार्यकाल भी अब खत्म होने के कागार पर है। सूबे के सभी 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे। अब 2022 में जनता यूपी की राजनीति का क्या इतिहास लिखती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।